मैं नीलम वर्मा एसकेजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कैपेसिटी क्राइटेरिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो परफॉर्मेंस कैपेसिटी क्राइटेरिया यानी साइज प्रोसेसिंग के हिसाब से कंप्यूटर्स को हम डिवाइड करते हैं फोर पार्ट्स में। नंबर वन है हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स, नंबर सेकंड है मिनी कंप्यूटर्स, नंबर थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और नंबर फोर है सुपर कंप्यूटर्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं साइज में छोटे, प्रोसेसिंग स्पीड इनकी कम होती है, लो कॉस्ट पर बने होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इनके अंदर और प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, पावर सप्लाई होती है इनके अंदर। इनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं फोर पार्ट्स में। नंबर वन है डेस्कटॉप, नंबर टू है लैपटॉप और नंबर थ्री है पाम टॉप। अब हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप क्या होता है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी इसको हम बोलते हैं। इंडिविजुअली इसको यूज करते हैं हम। जैसे हमारा पीसी जो सिस्टम है वो कैसे बनता है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। इसमें जो कीबोर्ड और माउस है वो इनपुट डिवाइस की तरह से काम करेंगे और जो मॉनिटर है हमारा वो आउटपुट डिवाइस की तरह से काम करेगा और सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। इसको हम इंडिविजुअली यूज करेंगे, टेबल पर रखकर इसको यूज किया जाता है। सेकेंड है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप जो है उसकी वर्किंग जो है डेस्कटॉप की तरह से ही होती है, लेकिन उसमें फोल्डेबल स्क्रीन होती है। जो फोल्डेबल स्क्रीन होती है उसको हम आउटपुट डिवाइस की तरह से काम करते हैं और जो हमारा टच पैड होता है उसको माउस की तरह यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ और वेब कैमरा और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो एड होकर इनबिल्ट होकर ही अपने आप से आते हैं। थर्ड है हमारा पाम टॉप। जो पाम टॉप है साइज में छोटे होते हैं लैपटॉप से, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, इनका साइज होता है अप्रोक्सीमेट 7 इंच। पीडीए और जो हमारे टैबलेट्स हैं उनको हम पाम टॉप की तरह से यूज करते हैं। अब सेकंड है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की बजाय साइज में बड़े होते हैं। जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ज़्यादा होती है, इनपुट आउटपुट जो कीबोर्ड माउस उनका यूज करते हैं और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की बजाय ज़्यादा होती है। इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? फैक्ट्रीज में, लैब्स में और 200 के यूजर्स जो हैं उसको एक बार में यूज कर सकते हैं। सर्वर की तरह मिनी कंप्यूटर्स को यूज करेंगे हम और इसके एग्जांपल हैं पीडीपी 11। अब थर्ड है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से साइज में बड़े होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है, जो इंटरनल मेमोरी और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो ज्यादा होती है, स्पीड इनकी फास्ट होती है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इनको हम यूज करते हैं शेयर मार्केट में, रिजर्वेशन के लिए रेलवे में और बैंक्स में। उसके बाद आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो हाई कॉस्ट के बने होते हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है,
कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं वो भी इजीली कर सकते हैं। इनके लिए इनको हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ, मिलिट्री एप्लीकेशंस में, रोबोटिक्स में और वेदर फोरकास्टिंग के लिए। और इसके एग्जांपल्स हैं परम, परम टू, अनुराग। ये क्या है, इसके सुपर कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।